स्वास्थ्य पर हम सभी का समान अधिकार है, हम सब स्वस्थ होना चाहते हैं। नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। स्वास्थ्य, लोग पूछते हैं आचार्य जी वजन बढ़ रहा है क्या करें, तो हम बात कर रहे हैं हमारे हिप्स की, हिप्स पर जमा चर्बी को कैसे दूर कर सकते हैं। आपको दो बड़ी सुगम सी क्रियाएं करनी है, ये ध्यान रहे कि इन क्रियाओं का अभ्यास खाली पेट ही होगा, जितनी भी क्रियाएं बताई जाती हैं, और या तो सुबह खाली पेट कीजिए या फिर शाम को आपके लंच के 3 से 4 घंटे के बाद अभ्यास होना चाहिए। सबसे पहले लेट करके शलभासन किया जाता है, उसका एक मॉडिफाइड वर्जन है खड़े होकर के शलभासन। उसको हम गति के रूप में करेंगे, यानी उसको 10 बार करेंगे, 10 बार का एक राउंड होगा, 10 रेपिटिशन्स का, और आप इसके 3 राउंड्स तक कर सकते हैं। लेकिन अति सर्वत्र वर्जित, ऐसा नहीं कि पहली बार में ही जो है आप इतना ज़्यादा कर लें कि आपके मसल्स स्टिफ हो जाए, अकड़न हो जाए, अकड़ाहट हो जाए, जकड़न हो जाए। तो धीरे 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 अपने अभ्यास को बढ़ाएंगे, तो पहले एक ही राउंड करेंगे 10 रिपीटिशंस का। कैसे करना है इसको, हम इस प्रकार से सीधे खड़े हो जाते हैं, आप चाहें तो दीवार पर हाथ भी रख सकते हैं या फिर सीधा कमर पर हाथ रख लेंगे। इस स्थिति में आना, सांस भरते हुए दाएं पैर को पीछे की तरफ ले जाना, ऐसा 10 बार करना। फिर दूसरे पैर से बाईं तरफ से, यानी कि अपर बॉडी आपकी स्ट्रेट रहेगी, अपर बॉडी को आगे या पीछे हम नहीं झुकाएंगे, बिल्कुल सीधा रखेंगे, और झटका नहीं होना चाहिए, जर्क नहीं होना चाहिए, हमारी जितनी भी मूवमेंट है वो बहुत स्मूथ होनी चाहिए। ऐसे 10 बार दाईं तरफ से, 10 बार बाईं तरफ से, फिर दोनों हाथों को मिला लेंगे, पैरों को खोल लेंगे, शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ देंगे। ये तो किया हमने खड़े होकर के मॉडिफाइड शलभासन का अभ्यास। दूसरा अभ्यास हम हिप्स के फैट को कम करने के लिए करेंगे, व्याघ्रासन का अभ्यास। और व्याघ्रासन के अभ्यास के लिए इस प्रकार से अपने घुटने के बल आ जाते हैं। अब यहाँ आपको ये समझना बहुत आवश्यक है कि जब आप व्याघ्र का अभ्यास करते हैं तो आपके हिप्स का फैट तो कम होता ही है, आपके पेट की चर्बी भी कम होती है। ध्यान से देखिए कि कैसे इसको करना है। इस स्थिति में आ जाना, सामने देखना, कमर बिल्कुल सीधी, सांस भरते हुए पैर को ऊपर उठाना और गर्दन को पीछे ले जाना, सीना पूरा उन्नत हो जाएगा। और ऐसे करना जैसे आप अपने पंजे से अपने पैर को छूने की कोशिश करें, जो संभव नहीं है लेकिन कोशिश कर रहे हैं। अब सांस छोड़ते हुए पैर को आगे लाना और माथे से घुटने को छूने की कोशिश। दस बार एक पैर से करना, फिर 10 बार दूसरे पैर से दोहराना। और फिर वज्रासन में बैठ करके पूरे शरीर को शिथिल छोड़ देंगे, एब्सोल्यूट रिलैक्सेशन। इसको भी आप 10 रिपीटिशंस का एक राउंड, और आप धीरे धीरे 3 राउंड्स तक ले जा सकते हैं, जितनी भी क्रियाएं बताई जा रही हैं सब क्रियाओं के उतने ही राउंड्स करने हैं। ऐसा नहीं कि एक का हम एक राउंड करें, एक के हम 3 राउंड्स करें, तो कोशिश करें कि सबके राउंड्स बराबर हों। जितना संभव हो वॉक करने का प्रयास करें, घर में और कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते, योगाभ्यास के साथ साथ आप हर मील के बाद 2000 स्टेप्स चल लीजिए, ज़्यादा लगता है तो 1000 स्टेप्स चल लीजिए, लेकिन वॉक ज़रूर करते रहें ताकि मोबिलिटी बनी रहे, ब्लड का सर्कुलेशन बेहतर रहे और आपका वज़न भी ना बढ़े। पानी खूब पिएं, हमारा कार्यक्रम नियमित रूप से देखते रहें।